हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के 6 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं क्योंकि अपनी वेट लॉस जर्नी में फिर से हमने स्टार्ट कर दी है, तो मैं आराम से उठ चुकी हूँ। और उठने के बाद बासी मुंह, जैसे कि खाली पेट, हमने कहा था कि मैं हमेशा पीती हूँ पानी, वो तो वेट लॉस जर्नी नहीं भी कर रही थी, फिर नहीं भी रहती, तो वो मेरी ना एक रूटीन बन चुकी है, आदत बन चुकी है। मैं जैसे ही मेरी आंख खुलती है ना, तो मुझे पानी चाहिए होता है, इसलिए बिस्तर पर भी ना मैं अपना बॉटल ले करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह मैं जैसे ही उठती हूँ ना, मेरी आंख खुलती है तो बिस्तर ही पर मैं पहले पानी पी लेती हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमने किया ब्रश, 2-3 मिनट रुकने के बाद, थोड़ा रिलैक्स करने के बाद, ब्रश करने के बाद फिर हमने कर लिया यहाँ पे फेस वॉश, क्योंकि अभी तो मैं नहाऊंगी नहीं, तो फेस वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि नाइट का ना ऑयल वगैरह रिलीज होता है ना फ्रेंड्स, तो मैं अगर टाइम से फेस वॉश उठने के जस्ट बाद नहीं करती हूँ, तो मेरी स्किन में इचिंग शुरू हो जाती है, फॉरन इन्फेक्शन टाइप का, एलर्जी टाइप का शुरू हो जाता है। देन मैं फेस वॉश करने के बाद हमेशा की तरह मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ, और मेरे सारे दिन के रूटीन में और कुछ मैं नहीं करती हूँ, बस यही मेरा हो गया। तो बस पॉन्ड्स का वही मॉइस्चराइजर जो है, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे अच्छे से मैं अप्लाई करूंगी हल्के हाथों से, हल्का सा मसाज करते हुए फ्रेंड्स। और हाँ, मेन डोर आपको खुला दिख रहा होगा, क्योंकि बच्चे आने का टाइम हो गया है, मतलब अभी लड़की लोग जो आती है बड़ी बड़ी, 10th की 12th की, तो उन लोगों के पढ़ाई का टाइम हो चुका है, तो देखिए आना भी शुरू हो गया है, और इसके साथ एक इनकी बच्ची भी आती है मतलब। तो बस यहाँ पे शैम पढ़ाना शुरू कर दिए, और हमारी मॉर्निंग की रूटीन भी साथ साथ स्टार्ट है। अब रूम में तो मेरा कोई काम बनता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि रूम बुक है, मतलब ट्यूशन क्लासेस चलने में, तो मुझे जो करना है हॉल और किचन के इर्द गिर्द ही करना है। तो ये हॉल का जो साइड है, यानी मेरे रूम का, बेडरूम का गेट का जो साइड है, यहीं पे मैं चेयर लेकर के बैठ गई हूँ। और क्योंकि मुझे एल्ट्रोक्सिन खाना, यानी थायराइड की दवाई खानी है सुबह सुबह, तो वो हमने खा लिया है फ्रेंड्स। इसको खाने के बाद 1 से 2 मिनट यहाँ पर मैं बैठूंगी, और ज़्यादा नहीं वेट करूंगी, क्योंकि मुझे लग जाना अपने लंच वगैरह की तैयारी में। तो मुझे लंच में आज बनाना था पालक, एक करी, तो यहाँ पे ना एक शैम लाना भूल गए थे, तो एक बच्ची को भेज के हमने एक मंगवा लिया। हालांकि सुबह में, मतलब उठने के बाद शैम को थोड़ी फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं भेजी थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट खत्म था, तो वो हमने मंगा लिया था, बट उनको एक मैं बोली थी, वो एक लाना भूल गए थे। तो ये पालक, वही मैंने आप लोगों से बताया कि मैं पूरे हफ्ते की सब्जी अब ला के रख लेती हूँ, और प्लानिंग पहले से कर लेती हूँ, इस दिन ये बनाऊंगी, इस दिन ये बनाऊंगी, मतलब जो सब्जी जल्दी ख़राब होने वाली है उसको पहले बनाऊंगी, जो बाद में थोड़ा लेट चलेगी उसको सबसे लास्ट में बनाती हूँ। तो पालक को हमने अच्छे से कट करके, क्लीन करके, उसको बॉईल होने के लिए रख दिया फ्रेंड्स। जब तक यहाँ पे ना मैं एलमंड्स है, और उसके साथ मैंने ना थोड़ा सा किशमिश भी 6-7 दाने सोक करने के लिए नाइट में रख दिए थे, तो इसको मैं खा ले रही हूँ अभी आराम से, मतलब यहीं पे जब तक पालक ये हो रहा है, बॉईल हो रहा है, तब तक मैं खाऊंगी। तो ये देखिए पालक यहाँ पे हमारा बॉईल हो चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब इसे बॉईल नहीं करना, इसकी तो रेसिपी मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर रखी है फ्रेंड्स। तो बस, और क्योंकि वेट लॉस मतलब रेसिपी भी आप लोगों को जा रही है, तो इसको थोड़ा कम ऑयल में मैं बनाऊंगी। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स की, ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है, पालक कितना हेल्दी होता ही है। तो ये देखिए कितना कम, ज़रा सा हमने ना ऑयल लिया, और पेस्ट जो इसका मैंने बनाया है, इसका मतलब पालक का प्यूरी जो हमने बनाया, उसमें धनिया और ये ऐड किया है, ग्रीन चिली 4-5 पीस, और उसका पेस्ट हमने बना के रख लिया। यहाँ पे हमने ऑयल में जीरा का मतलब छौंक लगाया है, उसके बाद हमने ऑनियन डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे एक सिनेमन स्टिक हमने डाला है, 3-4 पीस रेड ड्राई चिली हमने डाला है, और यहाँ पे भाई ये हल्का सा गोल्डन कलर पर हो गया है, तब मैंने इसमें एकदम लाइट गोल्डन कलर, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है, हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा मैंने भुना है, जब तक इसका कच्चापन नहीं चला गया, तो यहाँ पे इसका कच्चापन जा चुका है। तो इसमें अब हमने डाला है टर्मेरिक पाउडर, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये सब डाल करके इसको फिर से अगेन भुनना है। और ये देखिए, ये हमारा भुन चुका था, तो हमने एक बड़े साइज के, नहीं 2 बड़े साइज के टमाटर का ना पेस्ट बना लिया था, उसको हमने ऐड कर दिया। इसके बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स करना, इसमें हमने अब सॉल्ट भी ऐड कर दिया फ्रेंड्स। उसके बाद फिर से इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, और इस टाइम पे हम, आप कोई भी गर्म मसाला यूज करें, हमारे घर में था चिकन गर्म मसाला, तो वो हमने ऐड कर दिया। और उसके बाद पालक का जो हमने प्यूरी बनाया था, इसको आप ऐड कर दें फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनता, मतलब ये प्यूरी मुझे इतना पसंद आता है, ये वाला ग्रेवी खाने में, कि अगर मैं इसमें कुछ ना भी रखूँ ना, तो मैं इसे राइस के साथ, रोटी के साथ ऐसे भी खा सकती हूँ। आप लोग भी जरूर ट्राई करना, जो लोग वेज नॉन वेज खाते ही नहीं है, वो ऐसे भी इस प्यूरी को बना करके राइस रोटी के साथ खाएं, बहुत ज्यादा यम लगती है। तो हमेशा आप देखते हैं कि मैं बॉइल करके एक रखती हूँ, बट आज मेरा मन था कि मैं ना ऐसे तोड़ के डायरेक्ट जो है ना एक लबाबदार की तरह ना इसमें टपका दूं अंडे को, और ये सच में फ्रेंड्स इतना ज्यादा यम बना था कि मैं क्या ही बताऊं। बस 4-5 मिनट हमने दम पे रखा था, उसका गैस बंद कर दिया था, यहाँ पे शाम को दे रही हूँ नाश्ता। 1 hour later खाना वगैरह बन चुका है, दिन के बज गए हैं 11, और अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स एक्सरसाइज करने, और एक्सरसाइज करने के बाद फिर नहाऊंगी,
और उसके बाद फिर लंच करूंगी। मतलब एक्सरसाइज करते करते 12 साढ़े 12 हो जाएगा, नहाते वगैरह 1-1.5 बज ही जाएगा, मतलब सारी चीजों से फ्री होने में 1-1.5 बज ही जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो है ना फिर मैं लंच करूंगी और डस्टिंग क्लीनिंग मेरी सारी चीज हो A to Z, लंच वगैरह हर एक चीज, कपड़े भी जो मैंने उस दिन कल फिर धोए थे तो फिर उसको फैलाया है, जो सूख गया था उसको उठाया है, जो सूख गया था उसको भी फोल्ड करके सबका, शाम का कपड़ा अलग, मतलब जो उनका यूज का कपड़ा है, जो रखने वाला कपड़ा, और स्वेटर सब भी फ्रेंड्स जो मोटे मोटे वाले मेरे और शाम के थे वो सबको हमने धुल दिया था। तो क्योंकि अभी ठंडी नॉर्मल हो चुकी है तो उसको ऐसे अंदर पैक नहीं कर दिया, बस धुल करके साइड कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो निकालूंगी, नहीं जरूरत पड़ेगी तो फिर उसे पैक ही कर दूंगी, फिर नेक्स्ट ईयर निकलेगा। तो बस जा रही हूँ फ्रेंड्स हिम्मत करके, आज सेकंड डे है और आज एक्सरसाइज करके देखती हूँ आज मैं सही से और कितना कैसे कर पाती हूँ, ये कर पाती हूँ। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्ट लंच पे। हाँ तो ये फ्रेंड्स आटा खत्म हो गया था तो मैं अभी आशीर्वाद का ही, अरे घिस जाएगा, रुकिए रुकिए छोड़िए मत। तो ये आशीर्वाद का ही आटा भी मैं मंगाती हूँ। और तो बस आज दोपहर में ना मुझे रोटी खानी थी तो इसीलिए इससे भी आपका एक्सरसाइज शुरू, तो इसीलिए आटा बिल्कुल खत्म था ही नहीं तो मैंने आटा मंगवा लिया। कितना फ्री? 5 किलो में आधा किलो फ्री। एक बार इसमें मैदा फ्री दिया था ना, मैदा का भी तेल देता है। हाँ ठीक है वहां रख दीजिए, बाद में मैं कर दूंगी। और पता है फ्रेंड्स क्या हुआ कि जैसे ही मैं फोन मतलब कैमरा ऑफ की आप लोगों से बातें करके उसी टाइम यानी 11 प्लस के करीब ही लाइट चले गए थे, और लाइट जाने के बाद फ्रेंड्स लाइट आए हैं अभी अभी बज रहे 2, मेरी हो रही है भूख से हालत खराब। वैसे मैं नहा धो के सारी चीजों से फ्रेश हो गई थी बट यही था कि मेरा मन था कि मैं ना बीट रूट की रोटी बनाऊं और मेरा यही आज खाने का पता नहीं क्यों बहुत मन था फ्रेंड्स। तो मैंने ना क्या कम किया कि उस चक्कर में इंतजार करते करते अभी 2 बज रहे फ्रेंड्स और लाइट जैसे ही आई है और 2 बजे वाले बच्चे भी आ गए पढ़ने। खैर इस बच्चे को मुझे नहीं पढ़ाना रहता है, सिर्फ शैम को पढ़ाना रहता है, तो शैम पढ़ा रहे हैं और मैं आ गई हूँ जब तक किचन में। और यहाँ पे ये देखिए मैंने आटा थोड़ा सा लिया था, उसमें एक बीट रूट को मैंने ना पीसा था तो उसमें से जितना मुझे चाहिए था उतना हमने ले लिया, बाकी हमने रख दिया, फिर नेक्स्ट टाइम उसका रोटी वगैरह जो भी बनाना होगा बना लूंगी, तो इसको अच्छे से बेल बेल के बना लूंगी। और फ्रेंड्स ये कलरफुल कुछ रोटी अच्छी लगती है ना देखने में, तो आप लोग भी ऐसा ही करें। और हाँ मैंने आप लोगों से कल के ब्लॉग में पूछा था कि क्या जो मैं अभी अपने वेट लॉस में थोड़ा हेल्दी ऑप्शन ढूंढ करके जो मतलब जो घर में बनता है वही बनाऊंगी बट उसको थोड़ा सा ना हेल्दी तरीके से बनाऊंगी, तो आप लोग को क्या वो भी रेसिपी चाहिए? तो सबसे ज्यादा यही कमेंट आया, किसी ने दी, किसी ने अप्पी, किसी ने नगमा, सबने कहा है कि है ना आप ना अपनी वेट लॉस थाली एंड अपनी जो है ना ये रेसिपी सब चीज शेयर करना, तो मैं हमेशा शेयर करूंगी। अब लंच बन के हमारा रेडी हो गया है फ्रेंड्स और मैं किचन में ही यहाँ पे चेयर लेकर के बैठ गई हूँ खाने के लिए, और इसे हम आराम से खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे फ्रेंड्स, 32 टाइम च्यू करके खाएंगे। और आप लोग जो लोग भी वेट लॉस जर्नी पे हैं आप लोग भी खाने को बहुत रिलैक्स होकर आराम हो से खाएं, और हाँ फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग भी अपनी डाइट में हेल्दी हेल्दी मील प्लान करें। लाइट तो चली गई, तुम लोग अब वेट करो लाइट आएगी, तो आज सुबह से यही प्रॉब्लम हो रहा है कंटिन्यू लाइट का। डरो मत घबराओ मत, सब अपने अपनी जगह रहो ठीक है, अभी लिखो मत अभी खराब हो जाएगा सब, कोई भी नहीं होमवर्क करो, कोई भी स्कूल वगैरह का होमवर्क नहीं करो, सब रुको लाइट आएगा तब करोगे ठीक है। अभी तक लाइट तो आई नहीं है, लाइट आए ना आए बट भूख रुकने वाली है, तो भूख लग चुकी है और कुछ चाय नाश्ता करने का मन कर रहा है। तो ये बिस्किट तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि इसमें रहता है शुगर, तो ये शैम को दूंगी। और मेरा ना चाय पीने का मन कर रहा है तो मैं बस जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। किसी तरह फ्लश लाइट ऑन करके फ्रेंड्स हमने चाय तो बना ली है, और ये टोस्ट बिस्किट है फ्रेंड जो कि है मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट, आप लोग को पता है बट मैं नहीं खा सकती क्योंकि इसमें ना अच्छा खासा शुगर रहता है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगी। आप गई हैं और लाइट चली गई है, लाइट चली गई नहीं है, लाइट खराब हो गया एक्चुअली, तो नंबर जो है ना दे दीजिएगा। आप अपना नंबर नहीं दी हैं मुझे, दे दीजिएगा। अच्छा हाँ हमको भी कुछ व्हाट्सएप करना था आपको, अभी लेके आए फोन दिखाने के लिए तो बंद भी हो गया फोन। हाँ मैं जो हूँ ना आपका सोची कैसे कॉल करूँ, आपके अम्मी के नंबर वो भी नंबर ऑफ जा रहा है। हाँ हाँ अम्मी के तो फोन ही खराब हो गया, नुमान को तो रखा ले हुए हैं, उसको बिस्किट दिया, बोले खाओ आप, तुम्हारी अम्मी आएंगे तभी जाओगे, वही नंबर है ना आपका, वही व्हाट्सएप है ना। हाँ मेरा एक ही नंबर, उसी पे व्हाट्सएप भी है और उसी पे जो है ना कॉलिंग वगैरह सब। आ जाओ चले जाओ बाबू, मम्मा तो छुट्टी है स्कूल।
पहले स्कूल छुट्टी है, टेंशन नहीं, होमवर्क वगैरह कुछ नहीं हो पाया तो सारे कल करा देंगे। हमसे जितना हो सके हम करवा देंगे। अच्छा ठीक है। तो ये रहे फ्रेंड सैम जो कि है भूख से बेकरार। तुझको नहीं पता अंधेरे में भी मतलब लाइट कटा हो और ऐसे फ्लश लाइट ऑन वगैरह करके भी कुछ करने का अलग ही मजा है। कैंडल लाइट चल रहा है। कैंडल लाइट। अच्छा फ्रेंड्स देखिए मैं तो आपको दिखाई भी नहीं सही से पढ़ूंगी शायद। तो देखिए अब कब लाइट आती है, कितना बजे रात में, कब नहीं पता। पीछे जो आवाज आप सुन रहे हैं ना, वो दरअसल एक भूत का आवाज है। नहीं मिस्टर इंडिया जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ आवाज आती। तो चलिए फ्रेंड जब लाइट आएगी तब आगे आप लोगों से मिलूंगी, क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं है पूरा। नहीं आएगी तो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर कैसे कैसे ब्लॉगिंग करूंगी, फिर मॉर्निंग में ही करूंगी ना। चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ। अरे भाई अपना फोन ऑफ कर देते यार, मेरा दिक्कत जाएगा। हाँ आप अपना कर लीजिए, फोन चार्ज रहना जरूरी है, क्योंकि जो है ना अगर लाइट बिल्कुल भी नहीं आया तो नाइट का सहारा रहेगा फोन वॉशरूम वगैरह कहीं भी जाने में।